2012 में ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपको बॉलीवुड के तीन न्यू कमर दिखे और यहाँ दो एक्टर और एक एक्ट्रेस थी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपको दो एक्ट्रेस और एक एक्टर यानी टाइगर श्रॉफ के दिखने की खबर थी। और कुछ दिनों पहले खबर ये भी थी कि फिल्म में आपको बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट प्रियंक शर्मा दिखेंगे। और हाल ही में प्रियंक शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और 1 के प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ एक पिक शेयर की है और इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि करण जौहर ने प्रियंक शर्मा से मुलाकात की है। और अब आपको फिल्म के तरफ से भी फिल्म में प्रियंक के होने की खबर, और जैसा कि फिल्म की एक्ट्रेस के रूप में अनन्या पांडे और अक्षरा पांडे का नाम आ रहा है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्दी सुनने को मिल सकती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ जैसे कि फाइनली है और फिल्म का फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है, लेकिन यह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपको बाकी सभी एक्टर और एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू होते दिखेगा। तो यहाँ इस फिल्म को हिट बनाने का सारा दारोमदार टाइगर श्रॉफ का होगा। तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग बागी 2 के रिलीज के बाद शुरू हो जाएगी और यहाँ तब तक फाइनल हो जाएगा कि फिल्म में किसे लिया जाए और नहीं लिया जाए। तो बॉलीवुड से जुड़ी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।